हेलो एवरीवन, तो आप सब लोग कैसे हो? हम गए थे जलसा तोफियत मेला। ये जलसा हर साल में होता है, फरवरी में 7 या 6 तारीख को रंगाली बजना मदरसा में। तो हम पहले मस्जिद के ओर गए, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, हम एक साथ ही मेला घूमने वाले हैं। मस्जिद देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, रात में जब लाइटिंग वगैरह जलेगा तो और भी सुंदर लगेगा। दुआ और प्रणाम करके हम चले गए थे मेरी फ्रेंड की मम्मी को बाहर देने। रास्ते में हमारे एक स्कूल फ्रेंड के साथ मुलाकात हो गई, करीबन 4-5 साल बाद हम लोग मिले, तो उससे मिल के बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। फिर चले आए हम मेले में। मेला यहाँ पे बहुत बड़ा ही लगता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है। इस बार मेला था फरवरी की 7 तारीख को, तो ये भी मेरा लेट अपलोड है, मेरा सब कुछ ही लेट चल रहा है। अभी भीड़ कमी है, जब रात होगी तो ज़्यादा भीड़ होगा। मुझे लेना था कप, तो मैं कप देख रही थी चाय पीने का। दुकान के बाहर फिक्स रेट लिखा था, भावतोल भी नहीं कर सकते। भावतोल करने की एक अलग ही मज़ा है। तो इस साइड सब खाने की दुकान था, इस साइड थी बच्चों की सारी खिलौने की चीज़ें। तो मुझे लेना था कप, तो ये वाला कप मुझे पसंद आया, इसका डिज़ाइन थोड़ा बड़ा है बट चलेगा। घूमते घूमते कप शाम हो गई, पता ही नहीं चला। इस दुकान में प्लेटर और डिश की बहुत सारी वैरायटी थी। हम सब दुकानें घूम घूम कर देख रहे थे, जो अच्छा लगे ले लो, जो नहीं अच्छा लगे मत लो। तो माइक से आवाज़ आ रही थी, ओनली 20 रुपये, ओनली 30 रुपये, ओनली 10 रुपये, तो क्या मतलब भाव तोली अगर नहीं कर सकते तो। मुझे लेना था इयर रिंग, तो ये बटरफ्लाई वाली इयर रिंग बहुत ही क्यूट था, बट मैंने नहीं लिया। तो खोजते खोजते इस दुकान में आ गए। मुझे चाहिए था ना बड़ा ना छोटा, मीडियम वाला। अच्छी बात ये थी कि मेले की हर एक गली में इयर रिंग की दुकानें थी। इस साइड सब फलों की दुकान थी, सब बारीकी से सजाया हुआ था। फाइनली इस दुकान में मुझे ये इयर रिंग पसंद आई, तो मैंने ये इयर रिंग ले ली। जब मैं छोटी थी तो इस गैस बैलून की बहुत जिद करती थी मम्मी से कि लेके दो। रास्ते की इस साइड भी बहुत सारी दुकानें लगी थी। ये थी चप्पल की दुकान, अब इस साइड है कपड़ों की दुकान। ये बकेट बहुत खूबसूरत था बट प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहा था। इसको हम बोलते खुरमा, ये छोटा छोटा कुरकुरे टाइप का, क्रिस्पी टाइप का है बट ये बहुत मीठा है। फिर चले आए खाने, तो यहाँ पे हम खाएंगे भाबा पीठा। इसको बनाते हैं चावल की आटे से स्टीम करके। इसको क्या बोलते पता नहीं, मैं तो घिसना कहती हूँ, तो अदरक और प्याज घिसने में मदद होगी तो मैंने ले ली। अब जाएंगे हम लोग घर, तो गेट के बाहर भी बहुत सारी दुकानें थी। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।